हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन बाद मैं अपने चैनल में एक नए वीडियो डाल रहा हूं। आज मैं एक आपको अमेजिंग रेसिपी दिखा रहा हूं कि मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बना रहा हूं। अभी सुबह का टाइम है और ये पानी फल है। इस पानी फल का मैं सब्ज़ी बनाऊंगा। बहुत अमेजिंग सब्ज़ी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिखाता हूँ मैं पूरी रेसिपी सब्ज़ी को कैसे बनाता हूँ। इसको मैं अभी इसमें डाल के बॉइल करूँगा और बॉइल करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनता है। अब मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद देखिए, मैंने इसको निकाल लिया, छिलका से अलग कर लिया। और बहुत सारे लोग इसको नमक के साथ खाते भी हैं, अच्छा लगता है। अब मैं बनाऊंगा इसका सब्ज़ी, तो मैं दिखाता हूँ कि इसके लिए रेसिपी में क्या क्या मैं डालता हूँ सब्ज़ियों में। मैं इसके लिए लिया हूँ 4-5 प्याज। एक्चुअली मुझे ऑफ़िस का लेट हो रहा है, मैं सुबह का टाइम है, ऑफ़िस भी जाना है और जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, तो इसके लिए मैं लिया हूँ 3-4 प्याज लिया हूँ, टमाटर लिया हूँ, उसको काट के अच्छे से उसको बॉईल करके, और लहसुन वगैरह सब कूट लिया हूँ इसके साथ। अब इसका बनाऊँगा मैं पेस्ट, बहुत स्पेशल पेस्ट बनाऊँगा। उस पेस्ट में इसको भूनूँगा और दिखाता हूँ मैं आगे। अब देखिए दोस्त, मैं पेस्ट वेस्ट बना लिया इसको। प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, इस सब का मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसमें स्वादानुसार मैंने मसाला दिया है। मैं मसाला आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या दिया हूँ। एक तो ये राकेश का किचन किंग दिया हूँ, किचन क्यून है। उसके बाद एक ये इसमें मसाला मैं रखा हूँ, ये मसाला दिया हूँ। उसके बाद एक ये मसाला दिया हूँ। उसके बाद हल्दी पाउडर दिया हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मिर्ची का पाउडर, अपने स्वादानुसार देना है। अपने स्वाद के हिसाब से मिर्ची का पाउडर दीजिए। जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो ज़्यादा दें, कारण कि ये मेरे मिर्ची का पाउडर घर का है, मैं घर से लाया हूँ, गांव से, अपने मतलब खेतों का मिर्ची है और गांव के मशीनों में पिसवाया हुआ है, तो काफ़ी तीखा है। और एक आदमी के लिए 2 टाइम का सब्ज़ी बना रहा हूँ, तो आप लोग देख के बताइए कि ये पेस्ट कितना टेस्टी लग रहा है, और मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए कि खाने में कितना अच्छा लगेगा। अभी ये और भुनाएगा, इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनूंगा, उसके बाद इसमें मैं डालूंगा ये जो मैंने अलग किया है। और भी बहुत सारे मसाले हैं जो मैंने रखे हुए हैं, कुछ जिस दिन मैं स्पेशल रेसिपी बनाऊंगा उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे बनाते हैं। और इसमें मैंने आटा गूंथ लिया है, देख लीजिएगा, आटा मैंने गूंथ लिया है, ठीक है। अब फटाफट रोटी बनाऊंगा और सब्जी ऑलमोस्ट अब तैयार हो जाएगी कुछ देर में। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढक देता हूँ। ये देखिए, मैं तवा चढ़ा लिया हूँ, ये भी तैयार है, मसाला भी तैयार है बिल्कुल, और बस धनिया पत्ता को काटना है। धनिया पत्ता काटूँगा। देखिए अब मैं इसको, जो ये पानी फल है जिसको हमारे बिहार में सिंघाड़ा बोलते हैं, दिल्ली में पानी फल बोलते हैं, सब जगह सब कई तरीकों के नाम से बोलते हैं, इसको मैंने बॉईल करके अच्छे से साफ़ कर लिया। इसका छिलकिया हटा दिया, खोया हटा दिया, फिर मैंने प्याज लहसुन अदरक ये सब चीज़ों का, टमाटर का पेस्ट बना लिया अच्छे से। और अब मैं इसको मिलाऊँगा इसमें। अब आप देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें मिला के फ्राई करूँगा 1-2 मिनट। देखिए मैं इसको अच्छे से मिला लिया। स्वादानुसार इसमें नमक मसाले जितने भी होते हैं सब अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं कुछ स्पेशल मसाले सब डाला हूँ इसमें, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा मैं मसाला कैसे बनाता हूँ। इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी रख लीजिए, पानी रख लीजिए, और इसको 2-4 मिनट धीमी आँच पर, इसको 2-4 मिनट धीमी आँच पर पकने दीजिए, और ये अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा बनने के बाद। तब तक मैं यहाँ अब रोटी की प्रोसेस करता हूँ। अब मैं रोटी बनाऊँगा। देखिए मैंने अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख लिया। अब ये 5-7 मिनट इस पर धीमी आँच पे पकाएंगे, तो ये ग्रेवी ना कम हो जाएगा और 2 टाइम के लिए सब्जी बन जाएगा, मेरा काम चल जाएगा अपना। ये देखिए कैसा है, फिर टेस्टिंग मज़ेदार बनेगा। देखिए दोस्तों, मेरा रोटी बनके तैयार है, ठीक है। बस ऐसे टेम्प्रोरी व्यवस्था है, ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी, फटाफट
रोटी बन के तैयार है। देखिए मैं रोटी फुलाता हूँ। रोटी तो फूल गया। रोटी तो फूल गया। अब इसको तावे पे रखेंगे और ऐसे ही फटाफट बनाना है मुझे रोटी, ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू। ये देखिए कितना स्पाइसी सब्जी बना है, बड़ी ज़बरदस्त सब्जी बना है, बहुत अच्छा, अमेजिंग। मैंने भी फर्स्ट बार बनाया है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब मैं तैयार हो गया हूँ बिल्कुल ऑफिस निकलने के लिए, मस्त था बिल्कुल। अब शूज पहनूंगा और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, टाइम हो गया। अच्छा, मैं तो स्मार्ट वॉच भूल गया यार, पहनना भूल गया। ठीक है, तब तक आप लोग मेरा वीडियो फुल देखिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।